सुपर हिट मिठाई है ऐसा, सुपर हिट मिठाई है। हाँ, मिठाई ऐसा कि एक खाइएगा तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा मिठाई मंगवाया है भैया के लिए और भाभी के लिए। खुश, इससे पहले लालू प्रसाद यादव के लिए भी मिठाई लेके जाते थे। हाँ, लालू हमारे भगवान है, लालू जी राजमाता हमारी माता है जी, बिहार की माता है, मेरी भी माता है, उनके लिए तो मेरा प्राण निछावर है। हमको किडनी भी निकाल के देना होगा तो लालू बाबू के लिए दे सकते हैं। भाभी का पैर पड़ा है 10 नंबर में, 10 सर्कुलर रोड पटना में। भैया निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो जनादेश के चोरी करके गद्दी पर बैठा हुआ है। पलटू राम जो है गलती गद्दी पर से उतरेगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बीते दिनों शादी हुई है और उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, कई अलग अलग तरीके से उनको शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए गाड़ी है, गाड़ी में किस तरह का स्टिकर सटा हुआ है और क्या कुछ इसमें लिखा हुआ है। बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव भैया जी एवं आदरणीय भावी श्रीमती राजश्री यादव को शुभ शादी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो देखिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे लोग शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लोग पहुंच रहे हैं। यहीं मधुबनी से कुछ लोग आए हैं जो कि समर्थक हैं और तेजस्वी यादव को चाहने वाले लोग हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर राजेश रंजन यादव, प्रदेश सचिव युवा राजद बिहार और 35 बीसपी विधानसभा मधुबनी से मैं बिलोंग करता हूँ। भैया भाभी को शुभकामनाएं देने के लिए किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? अभी भैया को दिल से शुभकामना दे रहे हैं और मिथिला का जो सबसे प्रसिद्ध है खान मिथिला, वैसे भी खाना के क्षेत्र में, अतिथि के स्वागत के क्षेत्र में नंबर वन कहलाता है, तो सबसे प्रसिद्ध मिठाई जो है मिथिला का। क्या कुछ है इसमें डलिया में रिवील करना चाहेंगे? सुपर हिट मिठाई है ऐसा, सुपर हिट मिठाई है। हाँ, मिठाई ऐसा कि एक खाइएगा तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा मिठाई मंगवाया है भैया के लिए और भाभी के लिए। खुश, इससे पहले लालू प्रसाद यादव के लिए भी मिठाई लेके जाते थे। हाँ, लालू हमारे भगवान है, लालू जी राजमाता हमारी माता है जी, बिहार की माता है, मेरी भी माता है, उनके लिए तो मेरा प्राण निछावर है। हमको किडनी भी निकाल के देना होगा तो लालू बाबू के लिए दे सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपके चाहने वाले, मतलब जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि अचानक शादी का जो पता चला है ये थोड़ा सा दुख नहीं, नहीं है, कोई दुखी नहीं है, सारा बिहार का नौजवान खुशी का इजहार कर रहा है, सब खुश है, सब खुश एकदम, बहुत खुशी है। हम दिल में तमन्ना है, भाभी आई है, निश्चित रूप से हमारे भैया नए साल में गद्दी पर बैठेंगे। आप पलटू राम जो है गलती गद्दी पर से उतरेगा, नौजवानों का राज होगा, गरीबों का राज होगा। तो आप कह रहे हैं शादी होने के बाद अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे? निश्चित रूप से, भाभी का पैर पड़ा है 10 नंबर में, 10 सर्कुलर रोड पटना में। भैया निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो जनादेश के चोरी करके गद्दी पर बैठा हुआ है जी। जनादेश के अपमान करके नीतीश कुमार जी गद्दी पर बैठा हुआ, जनता का तो असली मुख्यमंत्री तेजस्वी भैया है, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए साफ तौर पर यहाँ पर जो तमाम लोग आ रहे हैं, चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरह से बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये देखिए नज़ारा फिर से हम पोस्टर पर दिखाएंगे कि गाड़ी में सटा स्टिकर, मधुबनी से ये लोग आए हैं और इसमें तमाम तरह के क्या कुछ लिखा है। और पोस्टर देखिए, सबसे पहले तो बगल में उनकी पत्नी राजश्री यादव खड़ी बैठी हुई है और उसके बगल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। और जो क्या कुछ है नज़ारा आपने देखा, क्या कुछ तमाम जो तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, राबड़ी देवी के बाहर, आवाज के बाहर का नज़ारा है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।